हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो सीखेंगे जिगजैग, और हम आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि कब करेक्शन जो है फिनिश हो रही है, कब हम इसको समझ में आ जाएगा कि हमें जो मूव हो रहा है ये कंटिन्यू होगा कि नहीं। हम जो काउंटिंग जनरली करते हैं ना करेक्शन की, वो कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है। हम जैसे कि आपको देख सकते हो कि मैंने डाबर का चार्ट लिया हुआ, सिंपल काउंटिंग है जो जनरली सभी लोग करते हैं। मैं इसको इस सिंपल काउंटिंग को भी मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रूप में भी दिखाऊंगा कि आप उसको कैसे और काउंटिंग को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप अपनी काउंटिंग कैसे डिस्क्राइब और कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको आगे बढ़ता हूँ, और आगे पढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ये जो चैनल है, ये चैनल मेरा है लेकिन ये आपका क्लासरूम है। तो आप आए हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्यों, और बेल आइकन भी दबा के जाना। वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर डेली लाइव आता हूँ, और यहाँ पे जो मैं आपको बताने जाता हूँ, यहाँ पर जो इलियट वेब के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डीप समझाता हूँ मैं आपको, रीजन के साथ बताऊँगा कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये आपको बुक्स में मिलेगा, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब देख सकते हो कि ये डाबर का चार्ट है और मैं सिंगल लेग लिया हूँ, और जो ये स्टडी है, इस स्टडी को कल ध्यान में रखिएगा, केवल स्टडी पर्पज के लिए है। मुझे समझाना था कि ये जिगजैग कैसे काम करता है, कैसे होता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जैसे कि प्राइस जो है ऊपर से चली, तो अगर वो टूटेगी तो जो चौथा वेव भी कुछ हो, करेक्शन हो सकता है, और ये भी करेक्शन हो सकता है, दोनों करेक्शन है। तो दोनों में कहीं सपोज करके ये फ्लैट बनाते हैं जिगजैग बनेगा, ये जिगजैग बनाते हैं फ्लैट बनेगा, मतलब कहीं ना कहीं करेक्शन का मतलब अल्टरनेशन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंगल लेग लिया हुआ, मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये खराब हो सकता है। अब चेक कर लेना नीचे में क्या है, मैं सिंगल लेग की काउंटिंग कर रहा हूँ। सिंगल लेग का काउंटिंग का मतलब ये हुआ वन, मैं केवल इसी मूव की बात कर रहा हूँ अकेला, क्योंकि हम इसी मूव से भी हम ट्रेड कर सकते हैं कि अगर ये रिवर्स करेगा तो कहाँ तक जाएगा, हम लोग बस इसी को पकड़ सकते हैं, ठीक है, और हम इसी को पकड़ के भी ट्रेड लेकर हम जा सकते हैं ऊपर कि कहाँ तक जाएगी प्राइस। तो देखियो जो एबीसी है कर जिगजैग में, वो बेसिकली क्या होता है कि इसमें एबीसी का फॉर्मेशन होता है, ये ए होता है और ये बी और ये सी, ठीक है। तो एबीसी जो होता है, तो जो ये ए है ये इंपल्स है, और ये जो है ये करेक्शन है, और ये भी इंपल्स है। तो जब ये इंपल्स है तो इसमें फाइव मूव होगा, और ये जो करेक्शन है इसमें तीन मूव होगा, और ये जो इंपल्स है इसमें भी पांच मूव होगा। तो फाइव थ्री फाइव मतलब टोटल जो है 13 मूव का जिगजैग होता है, ठीक है। तो अब देख सकते हो कि यहां पर मैंने पूरी जो मूव दिया है, यहां से ए बना और ये बी बना हुआ है और ये सी बना हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, कुछ लोगों को लगेगा कि ये जो ये सेकंड बना है टॉप पर लागू है, ये टॉप नहीं है, ये फ्लैट करेक्शन का ना, ये बी है केवल। तो मतलब ये पूरा जो मूव था ये मैंने इसलिए रखा कि ये यहाँ पर स्ट्रांग भी बना हुआ है, ठीक है। सेकंड वेव में जो पहले से एक्सपीरियंस होल्डर हैं उनको पता होगा, लेकिन अब जब इसको क्लोजिंग चार्ट पे करोगे तो आपको समझ में आ गया मैंने सेकंड यहाँ पे क्यों रखा है। तो अब देख सकते हो यहाँ पर ए है, और इस ए पर मैंने ए बी सॉरी 1 2 3 4 5 रखा है, तो पांच मूव यहाँ पर है, और इसके बाद जो प्राइस है वो तीन मूव गई है, तो यहाँ पर बी बना हुआ है। इसके बाद जो सी आई है तो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 बना है, तो कहीं ना कहीं 13 मूव है, ठीक। तो 13 मूव है तो ये हमारा कहीं ना कहीं जिगजैग है। अब बारी आती है कि जब ये जिगजैग है तो हम क्या बाई करें, हम रिवर्सल समझ लें। तो मैंने क्या किया है कि ये जीरो पॉइंट है, ठीक है, और ये बी पॉइंट है, तो मैंने जीरो और बी के टेलिंग को ड्रॉ किया हुआ है। तो अब देख सकते हो कि बार यहां पर एक ब्रेकआउट की तरफ दिखाई दे रही थी, और यहां भी ब्रेकआउट पर खड़ी है, दोनों ब्रेकआउट पर है, दोनों चीज ब्रेकआउट पर है। बट ये जो ब्रेकआउट है, आप देख सकते हो कि ये कैंडल जो ग्रीन कैंडल बनी थी, इस ग्रीन कैंडल के बार कोई और कैंडल नहीं बन पाई है। तो यहां भी वैसा हो सकता है, ब्रेकआउट हुआ है, आप देखोगे तो जितना टाइम पीरियड इसने लिया हुआ है फॉल करने में, इसको रिवर्स करने में भी कम टाइम लिया, हाफ टाइम में लिया है, और यही होता है। तो यहां भी जब प्राइस जितने दिन में टूटी है इसको आधे टाइम पीरियड में काट रही है, हाफ टाइम पीरियड में काट रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इंपल्स इंडिकेट कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें करना है क्या है कि अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट इसलिए करेंगे, देखो कि ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो ये वाली, इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल और बन जाती है,
कुछ ऐसा ग्रीन कैंडल बन जाती हैं, तो आप क्या करोगे, आप इसको लॉन्ग पकड़ोगे। यही नियम है, यही जिगजैग का रूल है। करेक्शन जो होती है कब फिनिशिंग मानी जाती है, जब वो ये जीरो बी की टेन लाइन को ब्रेक करती है अपने आधे टाइम पीरियड में, जो सी का जो बना हुआ है ये आधे टाइम पीरियड का काटे तो करेक्शन ओवर। यही रास्ता है आइडेंटिफाई करने का। तो हमने इसको वेट करेंगे कि ब्रेकआउट होता तो हम यहाँ से इसके ऊपर से बाइक शुरू कर दें। हमने क्या किया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक रिट्रेसमेंट डाला है, तो मतलब ये जो लगाया गया है एक्सटेंशन लगाया गया है, आप देखोगे तो क्या होता है कि जब जिगजैग पढ़ते हैं तो ए और इक्वल टू सी, ये ज़्यादातर होगा, ये फ्लैट में भी होगा और जिगजैग में भी, दोनों में होता है। तो आप देख सकते हो कि जितना ए ने टाइम, जितना ए टूटी हुई है उतना बी भी टूटा है। अब इसको मार्क कैसे करेंगे, तो मार्क करने के लिए क्या करना है कि जैसे आपने ए बी सी बनाया तो ए का जितना लेंथ है बॉक्स बना के वह बी पर रख दीजिए। तो सी के आप क्या करोगे कि जो सी है इस बॉक्स को टच करेगा, यहाँ भी वही चीज़ किया, आप देखोगे तो इसको टच किया हुआ है, थोड़ा सा ओवरलैप किया बट चलेगा। क्यों ओवरलैप किया, क्योंकि ये टेन लाइन को टच कराना था इसको, इसलिए इसने ओवरलैप किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही ये ऊपर करेगा हम इसको बाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसका स्टापस डालेंगे तो दो तरह के स्टापस होंगे, या तो इस कैंडल का स्टापस रख लीजिए, या फिर ये तो जो स्टापलस है ये कंजर्वेटिव वाला है कि हम इसके लिए हमें कम लॉस लेना है तो हम इसका स्टापस रख सकते हैं, लेकिन अगर हमें एग्रेसिव लेना है तो हम क्या करेंगे इसी का स्टापस रखेंगे। ये टूटा तो ट्रेंड दूसरा चेंज हो जाएगा, नहीं अगर यहाँ से चल पड़ी तो ये फाइनल स्टापस रहेगा और प्राइस जाके नया हाई बना सकती है। तो जिगजैग के पावर ये है। अब देखोगे तो आधे टाइम ये बड़ी स्पीड से चलती है, अगर अगर स्पीड से टूटी तो स्पीड से भी कवर करेगी, ध्यान में रखिएगा। ये फ्लैट नहीं है, फ्लैट में क्या होता है टाइम कंज्यूम होता है, उसी को बोलते हैं टाइम करेक्शन, ये प्राइस करेक्शन है, सब कुछ स्पीड में रहेगा इस पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसको ना डिस्क्राइब करते हैं कि हम इसको और कैसे किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो देखो अब यहां पे देखो, यहां पे वही चीज है, यहां पे मैंने क्या किया है, यहां पे मैंने इसको ना करेक्शन नहीं दिया है, इसको ट्रिपल करेक्शन का नाम दिया है। जिगजैग ही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इंटरनल इसके सारे पार्ट्स को सारे काउंटिंग को देखना कि इंटरनली ये कितना मूव दिया हुआ है कैसे किया हुआ है, तो इसको मैंने ना उस आपको बताया होगा कि कैसे वेव्स को काउंटिंग करते हैं कैंडल चार्ट पर, तो उसी के बेसिस में मैंने इसको काउंट किया। यहाँ भी वो चीज़ दिखाई दे रही है, आप इसको देखोगे तो मैंने क्या कि इस पूरे मूव को ए रखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी मूव ए है हमारी, ये बी है और ये सी बना हुआ है, तो इसी को केवल जिगजैग दिया है। इसके बाद जो प्राइस गई है ये डब्लू बनाया है, डब्लू का मतलब ये हुआ कि हमारे ये करेक्शन खत्म हो गया, इसके बाद प्राइस जो है हमारी एक्स बनी। ठीक है, ये कुछ भी पैटर्न हो सकता है, ये किसी भी मूव में जा सकता है। उसके बाद हम देखोगे तो ये डब्ल्यू हो गया, ये एक्स हो गया और ये जो बना है ये वाई बना हुआ है। इसके बाद प्राइस जो ऊपर की तरफ गई है, जो अपने हाई को नहीं ब्रेक कर, मतलब अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है, तो आप इसको मैंने ना अगेन इसको एक्स कर दिया और जो प्राइस टूट किया है इसको वाई किया है मैंने। देखो उस वाले करेक्शन में और इस वाले करेक्शन में डिफरेंस क्या है, जो पहले करेक्शन पढ़ाया था वो नॉर्मल करेक्शन है, मतलब नॉर्मल जिगजैग है जिसको समझने के लिए हमें सफिशियंट है, हम उस पर भी ट्रेड कर सकते हैं और हमारे लिए सबसे सफिशियंट सबसे बेस्ट वही है, हम उसी पर फोकस कर सकते हैं हमें ट्रेड करना हो तो ट्रेड करने के लिए वो करेक्शन वो स्टडी, लेकिन हमें रिसर्च करना है और हमें जानना है इंटरनल की कौन कौन से पार्ट्स के हम क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, तब के लिए ये आपको ये काउंटिंग समझ में आएगी, ये काउंटिंग करना, ये ट्रिपल करेक्शन है, ट्रिपल जिगजैग की ही ट्रिपल करेक्शन है। तो इसी सेम चीज करना है, आप जब ट्रेड करोगे तो ये ज्यादा कंजर्वेटिव करता है, कंजर्वेटिव डबल ये कर रहा है कि भाई अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है, आप इसको ना ये पिंक वाली ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करेगी तो आप एक्शन लेना, और ये करता कि जब हम यहां से प्राइस निकलेगी तो आप इसका स्टॉप लगाओगे तो भी हम गाड़ी मेरी चल जाएगी, और यहां से भी आप बाय करते हो तो कम से कम यहां तक का टारगेट लेकर चलो।
तो मतलब अगर हम लेके चलते हैं तो 600 650 तक अभी हम डेस्टिनेशन देख सकते हैं आने वाले टाइम पर, ठीक है। तो ये जो काउंटिंग आप देख रहे हो, इस काउंटिंग में ज़्यादा माइंड लगेगा आपका, उस वाले काउंटिंग में सिंपल ABC है जिसके रूल्स और गाइडलाइंस मैंने लिखे हुए हैं, आप इसको समझिएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसमें अपनी रिसर्च को अपनी स्टडी को लगाएंगे, इसको कॉपी पेस्ट भी करिएगा, और कहाँ जहाँ समझ में नहीं आएगा तुरंत कॉल कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिएगा और मुझे बताएगा क्या नहीं समझ आएगा, मैं इसको फिर से डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।